आप ऐसे मुझसे मेरी आजादी छीन रही हैं मॉम, और तुम मुझसे मेरा पैर। सॉरी मॉम, आप देखिए ना, हम दोनों कितने एक जैसे हैं। आपको अपने काम में किसी का दखल पसंद नहीं है, उसी तरह मुझे मेरी लाइफ में किसी का दखल पसंद नहीं है। लेकिन बेटा, राज सिंह तुम्हारी जिंदगी में दखल देने नहीं, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया है। व्हाट हिफाजत मैन? आई मीन मॉम, आपने एक बार मेरे बाइसेप्स देखे? जरा देखिए तो, मैं अपने आप को, क्या आपको, प्री को, बुआ जी को, सबको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मुझ जैसी सॉलिड बॉडी वाली लड़की को किसी राजू बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम यंग हो और तुम अपनी जिंदगी में नए नए तजुर्बे करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि जिंदगी तुम्हें नई नई चुनौतियां दे और तुम उस चुनौती को बहादुरी से पार कर सको, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि मैं अभी अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूँ? सोना। मैं चैन की नींद सोना चाहती हूँ। तुम्हें ये जो आजकल नया नया शौक चढ़ा है ना खतरों से खेलने का, इसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है और मेरी चिंता बढ़ गई है। बस ये समझ लो कि मिस्टर सिंह को मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं, अपने खुद के चैन की नींद सोने के लिए हायर की है। पर मॉम, नो मोर डिस्कशन। अगर तुम्हारी लैंग्वेज में कहे तो बात यही फिने दो, ओके? अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। इतने धूलों को भगा दिया है तो ये राजू बॉडी क्या चीज है? मारती है 440 वोल्ट का। सो टच मी नॉट। ये मेरा कमरा है मैडम। ये मेरा घर है राजू बॉडी। मेरी मॉम तुम पर महीने का 10,000 रुपए गवा रही होंगी, है ना? इस सूटकेस में उससे 20 गुना ज्यादा पैसा है। इससे तुम्हारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और शौक भी। इसे उठाओ एंड गेट लॉस्ट। मैडम, लग जाए तो चमड़ी जल जाती है। तुमने पैसों को आग क्यों लगा दी? तुम्हें ये समझाने के लिए कि शौक सिर्फ तुम्हारे जैसी अमीरजादियां पालती हैं। खुददार आदमी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करता है। तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने पैसे के दम पर किसी भी इंसान को खरीद सकती हो, लेकिन राज सिंह बिकाऊ नहीं है। राजा रानी वापस आ गए। जी, कई सालों से मैं आपको इस मंदिर में देख रहा हूँ। माँ भवानी की मूर्ति के आगे बैठ करके एक टकटकी लगाए आप उनको देखती रहती हैं।
लेकिन आपने कभी भी उनके आगे सर नहीं झुकाया, न कभी पूजा की, न कभी वंदना, न अर्चना। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि आप उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं? आज हमारा इंतजार खत्म हुआ पंडित जी, आज हमारे रानी और राजा वापस आए हैं। माँ भवानी ने हमें हमारे बच्चे लौटा दिए, अब राजा रानी यहाँ आएंगे, वो बड़ी रानी माँ जैसी डायन से सबको बचाएंगे, संसार में पाप का अंत होगा, सच्चाई और प्रेम की जीत होगी, हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। स्टुपिड टिंगर, गन नहीं एक गुब्बारा था। देख लिया आपने अपने राजू बॉडी को, मेरी पूरी बर्थडे विश खराब कर दी। मॉम मुझे इस 6 फुट नमूने की कोई जरूरत नहीं है, कल मेरे फ्रेंड्स आएंगे पार्टी में, इस अतरंगी को देखकर क्या सोचेंगे? हाय हाय प्रीति, लगता है तुम्हारी बहन की तो तबीयत खराब हो गई है। रियली? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। सच? तो फिर तुम्हें कब से किसी के सोचने से फर्क पड़ने लगा? हाँ हाँ, वेरी फनी। ठीक है, जो नहीं कर सकती लेकिन अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट तो दे सकती हूँ ना। थैंक यू। अच्छा अब ज्यादा देर तक जागना मत, जल्दी से सो जाना, ओके? गुड नाइट। Oh my God, प्री इतना प्यारा केक, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मॉम। मॉम पता है आपके गिफ्ट को देख के मेरी सारी फ्रेंड्स चल रही हैं। थैंक यू मॉम। मेरा हार कहाँ गया? मेरा हार? ओह माय गॉड, 9 लाख का हार था, रानी के गले से किसने उतार लिया? पर घर में से कौन चोरी कर सकता है? कहाँ गया मॉम? अभी तो यही था। एक मिनट मैम। मोहन, बालू, घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। तुम में से कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा, और आप सब भी घबराइए मत, चोरी घर में हुई है, जाहिर सी बात है कि हार और चोर दोनों घर में ही होंगे। मोहन, बालू, सबके पर्सेस लेकर आइए।